हेलो एवरीवन जय हिंद वेलकम टू द गोयला क्लासेस सो इन दिस वीडियो आपको जैसे पता है कि एच सर्व ज्ञान का जो पेपर सीरीज है मेन जो आंसर राइटिंग है वो स्टार्ट की हुई है हमने ठीक है तो इसमें हम पेपर जो इंग्लिश का है वो हम डिस्कस uh, करने वाले हैं जो 2021 22 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ऐसे राइटिंग वाला ठीक है तो इसको लेके हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है इसमें आपको पता है कि इसमें ग्रामर भी है कैमररी भी है मतलब ऑलमोस्ट तो सारी इंग्लिश इसमें आई हुई थी ठीक है सो लेट स्टार्ट फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है लाइक ईस्टर्न यूरोप डैश ऑफ कंट्रीज सच एस क्रोशिया लेटविया मोन्टेंग्रो एंड एस्टोनिया तो इसमें अप्रोप्रिएट ये पूछा गया था कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा ठीक है तो अगर अपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे ठीक है सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर तो एक इसमें कंसिस्ट है दूसरा इसमें कंप्राइजेस है ठीक है ऑल ऑल दो मतलब मीनिंग इनका सेम सेम ही है कंसिस्ट का भी और कंप्राइज का भी लेकिन कंसिस्ट हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि जो केक है उसमें क्या क्या चीजें कंसिस्ट की गई है उसमें शुगर है उसमें एजिबल ऑयल है तो उसमें हम कंसेस्ट यूज करते हैं कंप्राइजेस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं जैसे कि किसी कंट्री का मैंने बोला कि मान लो मैंने बोला दिस पैकेट कंसिस्ट ट्वेंटी

Mostly, 99 इसी तरह से होता है कि अगर कोई सेंटेंस है अगर वो पास्ट में है तो उसमें सारी पास्ट की फॉर्म्स ही आएंगी ठीक है तो आई आफ्टर आई हैड ईटन माई लंच मतलब पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो वो आई वॉज टेकिंग टू हर वाइल शी वॉज आई वॉज टॉकिंग टू हर वाइल्ड ईटिंग हर्ज या फिर हो जाएगा आई हैव टॉक तो है तो वैसे ही नहीं होगा जैसे अभी मैंने बताया कि इसको एलिमिनेट कर दो क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट का ही होगा ठीक है तो बच्चा कौन सा वोज टॉकिंग एंड

टॉक्ट टू हर वाइज ईटिंग होपली समझ में आ गया होगा ठीक है, है, है तो हम टॉपिक वाइज ईच एंड एवरी टॉपिक के हम वीडियो बनाने वाले हैं इस पर ठीक है जैसे कि नाउन्स प्रोनाउंस एबजेक्टिवर्ब जितने भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें हम टू देंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट जो टॉपिक्स होंगे वही पढ़ने वाले हैं ठीक है सो तो अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वाज लेट एंड ही डैश ऑन द कॉर्नर लॉन्ग बिफोर शी केम अब देखो अब इसमें आप कैसे आंसर फाइंड आउट करोगे अब मैंने बोला शी वाज लेट अब शी वाज लेट ही कौन सा है सिंपल पास्ट है एंड ही ऑन द कॉर्नर लॉन्ग बिफोर शी केम उसके आने से पहले वो कई देर तक खड़ा रहा था कहां पे कॉर्नर में तो हैजिन तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर कोई भी टेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पास्ट की ही फॉर्म्स होंगे क्लोजेस भी उसी तरह से होते हैं उसमें मुझे ए बी सी बोलने की ठीक है और इज स्टैंडिंग भी, भी बिल्कुल नहीं होगा ठीक है क्योंकि सारी बात ही पास्ट में हुई है ठीक है सो होपफुली दिस इज क्लियर नेक्स्ट है बोथ रीटा एंड मीरा लव ड चिल्ड्रन अब ये वाला जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर डी है ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया गया है ठीक है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि अलोंग विद हो गया विद हो गया इन एडिशन टू हो गया एज वेल एज हो गया ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं ठीक है तो इसमें एंड से जुड़ा हुआ है ठीक है तो आगे रीटा है लेकिन उससे पहले बोथ भी है ठीक है तो उस हिसाब से यहां पे क्या आएगा देयर चिल्ड्रन आएगा ठीक है नेक्स्ट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मे फाइंड दैट डैश यूरोपियन वेकेशन इज जस्ट यू नीड अब इसमें देखो इसमें ऑप्शंस आर्टिकल से रिलेटेड है ए है एन है द है एंड नो आर्टिकल ठीक है मतलब दीज आर द ऑप्शंस अब अगर आपने मतलब आप अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे आपने अगर पहले दिया है या क्वेश्चन पेपर देखा है तो मतलब ऐसा कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है जो क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है ठीक मतलब है मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आर्टिकल्स के भी दिए हुए हैं नाउन्स के भी दिए हुए हैं ठीक है थीके? सो आपको पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा ठीक है फाइंड दैट डैश यूरोपियन वेकेशन इज जस्ट वट यू नीड अब देखो यहां पर यूरोपियन लिखा है तो आपको पता है यहां पर कईयू को एन लगेगा ठीक है लेकिन अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आपको पता है कि आर्टिकल्स में हम एंड e, को फॉलो करते हैं इनफैक्ट हम यू को कंसिडर नहीं करते हैं ठीक है मतलब यू की साउंड को कंसिडर नहीं करते हैं ठीक है तो यूरोपियन में यू की साउंड आ रही है ठीक है तो यहां पर एन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा तो यहां पर क्या आएगा यू में फाइंड दैट अ यूरोपियन वेकेशन Is just what you need. Okay? So, let's move ahead to the next question. Yes. Next question hai, the study uh, the study emphasized dash or no preposition needed option hai. Okay? the need dash further research to ascertain the influence of television violence. ठीक है तो इसमें क्या है द स्टडी इम्फेसाइज हाँ तो इम्फेसाइज है यहाँ पे नो no प्रजिशन आएगा ठीक है क्योंकि हो हो गया गया ऑर्डर हो गया, गया अटैक हो गया ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होती है तो अगर आपने प्रेपोजिशन अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ठीक है जैसे एम्फेसाइज हो गया तो अब यहाँ पे नो no प्रजिशन आएगा इस वाले पोर्शन में तो नेक्स्ट है द नीड डैश फर्दर रिसर्च टू असरटेन दीड ऑफ आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट वाले में उससे इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन होगा ओवर नहीं होगा ठीक है ये हमारी प्रेपोजिशनल एरर था इसमें ठीक है ओके okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉन्क डैश ऑल प्लेजर्स ऑफ लाइफ अब इसमें दो ऑप्शंस दे रखे हैं एक ऑप्शन है हमारा एबजोर्ड और दूसरा है एब्रोगेटेड देखो एबजोर का मतलब होता है कि जो पर्सन वॉलेंट्री मतलब कि जैसे पद वगैरह को त्याग देता है ना उस सेंस में यूज करते हैं बिलीफ के लिए भी यूज होता है ठीक तो है, तो तो है तो यहाँ पे और एब्रोगेटेड ज्यादा फॉर्मली यूज होता है ये वर्ड ठीक है तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा यहाँ पे अबजोर्ड होगा ठीक है तो द मोंग अबजोर्ड ऑल प्लेजर्स ऑफ लाइफ नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट डैश द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें रिसेंट रिसाइंडेड uh, भी लिखा हुआ है रिव्यूड भी लिखा हुआ है ठीक है अब देखो का मतलब होता है जब कोई लो वगैरह होता है उसको जब रद्द कर दिया जाता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है तो उस सेंस में हम रिसाइंडेड यूज करते हैं रिव्यू का मतलब आपको पता है कि रिव्यू करना दोबारा सा देखना तो हाई कोर्ट क्या review कर सकती है रिव्यू कर सकती है सॉरी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है रिव्यू कर सकती है हाई कोर्ट के डिसीजन को ठीक है रिसाइंडेड भी हो सकता है लेकिन ये इस क्वेश्चन के दोनों ही मतलब कि हम कह सकते हैं कि अप्रोप्रियट आंसर थे तो यहां पे जो मोस्ट सुटेबल uh, जो आंसर होगा वो रिव्यूड होगा इंस्टेड ऑफ रिसाइंडेड, ठीक है

एक्स्ट्रीमली मतलब एंगल से ओवरकम करता है उस सेंस में हम यूज करते हैं ठीक है अपॉपलेक्टिक ठीक है और जो नेक्स्ट वर्ड है इसका मतलब होता है जो चीज ज्यादा एग्जिस्ट नहीं है, no longer existence के लिए करती है नो लॉन्गर लिए यूज करते हैं इस वर्ड को ठीक है तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है अपॉपलेक्टिक ठीक है जिसका मतलब क्या होता है मतलब कि एंगल से ओवरकम करना उस सेंस में यूज करते हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स डैश ग्रेटली अपसेट द टीचर अब देखो इसमें इम्पर्टिनेंस है और इनसॉक्यूएंस है ठीक है इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है कि रूडली किसी के साथ बिहेवियर करना या इल मैनर में किसी के साथ बिहेवियर बिहेव करना तो उस सेंस में हम इम्पर्टिनेंस वर्ड यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आंसर क्या हो जाएगा इंपर्टिनेंस हो जाएगा क्योंकि का जो जो था था जिसने क्या किया किया को ठीक है है भी हम कह सकते हैं इन्सो, है, इसका मतलब होता है आ, हम मतलब अनकंसर्न जो इंसान होता है इनडिफरेंट होता है जो परवाह नहीं मारता है उस सेंस में होता है ठीक है तो ही बात है कि ये नहीं होगा आंसर इसका आंसर क्या होगा ए वाला होगा ठीक है सो थैंक यू सो मच आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट फुल कोर्सेज ठीक है सो थैंक यू